Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we have discussed miscellaneous examples on laws of exponents. Now today, we will start our next topic, that is decimal number system and expressing large numbers in the standard form. So first we will see decimal number system. स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लासेस में आपने ऑलरेडी नंबर को एक्सपेंड करना सीखा है डेसिमल का. फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है नंबर 47561. तो अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो किस तरह से करोगे, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है कैसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग. तो हम लोग इसको लिखते थे 4, मान लीजिए ये वाली डिजिट हमने ली तो 4 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगाएंगे प्लस नेक्स्ट डिजिट, मतलब उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखते थे ना. तो 7 प्लस 7 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो 3 0 प्लस 5 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 प्लस 6 1 डिजिट तो 1 0 प्लस 1 कोई नंबर नहीं है डेट मीन सिंगल 1. ओके इस तरह से आप एक्सप्लेन करते थे. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप ये भी करते थे, जैसे ये लिखा हुआ है 40,000, तो 40,000 का मतलब क्या हुआ 4 × 10,000, इस तरह से इसको लिखेंगे दिस इज 7,000, तो इसको क्या लिखेंगे 7 × 1,000 प्लस 500 को क्या लिखेंगे 5 × 100. ओके 60 को क्या लिखेंगे 6 × 10 प्लस 1. ठीक है अब देखिए इतना हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है. यहां पर आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है यूजिंग पावर्स ऑफ 10 इन एक्सपोनेंट फॉर्म. ठीक है पावर ऑफ 10 के फॉर्म में आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. अब पावर ऑफ 10 के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है 4 मल्टीप्लाई, ये लिखा हुआ है 10,000. 10,000 का मतलब कि 10 की पावर हम कितना लिखेंगे, 10,000 का मतलब क्या होता है 10 × 10 × 10 × 10, ये हमने फर्स्ट डे आपको बताया था जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था. ठीक है तो क्या लिखेंगे इसको, इसमें 10 का ही मल्टीप्लाई हो रहा है, डेट मीन्स बेस हमारा 10 रहेगा और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है 1 2 3 4, 4 टाइम्स, तो 10^4. या फिर हम ये भी ले सकते हैं कि जितने उसमें जीरो होंगे, ठीक है जितने जीरो होंगे 1 के साथ तो 10^2, ठीक है वही उसका एक्सपोनेंट बन जाएगा. तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 4 × 10^4 प्लस 7 × यहाँ पर 3 0 है तो 10^3 प्लस 5 × यहाँ पर 2 0 है तो 10^2 प्लस 6 × 10^1 क्योंकि 1 0 है प्लस 1 × यहाँ पर क्या लिखेंगे 10^ देखिए ये सीक्वेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 4 3 2 1, उसके बाद क्या आएगा 0 आएगा. और आपको पता है किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट में अगर 0 लिखा होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है. तो यहाँ पर अगर इसके प्लेस पे 1 लिखोगे तो 1 × 1 इट बिकम्स 1, और जो कि ऑलरेडी आपको ये दिया हुआ है. ठीक है तो इस तरह से इसको हम एक्सपोनेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखते हैं, ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म डेसिमल का. ओके चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमको कैसे उसको एक्सपेंड करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब 10^2 के फॉर्म में करना है. तो एग्जांपल नंबर 1 है एक्सपेंड बाय एक्सप्रेसिंग पावर्स ऑफ 10 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसी तरह से एक्सप्रेस करना है, सबसे पहले हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 172 लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में, 172 का मतलब क्या 100 + 70 + 2, यही तो लिखेंगे. ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे, 100 का मतलब क्या 1 × 100, 70 का मतलब क्या हुआ 7 × 10 + 2, दैट इज इक्वल टू 1 × 10^2 प्लस 7 × 10^1 प्लस 2 × 10^0. ओके इस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे. सेकेंड पार्ट में लिखा है 5,643, दैट मीन्स इसको क्या लिखेंगे 5,000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 3. 5,000 का मतलब 5 × 1,000, 1,000 में 5 का मल्टीप्लाई कराओगे तब तो 5,000 आएगा, प्लस 600 का मतलब 6 × 100, 40 का मतलब 4 × 10
प्लस 3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर, कितने जीरो है 1000 में, 3, तो एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा 3, तो 5 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 3, प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 2, प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 1, प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 0। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, 56,439, क्या आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो? चलिए इसको भी लिखते हैं, तो हो जाएगा 56,000 का मतलब 5 मल्टीप्लाई 10,000, 6 मल्टीप्लाई 1,000, प्लस 4 मल्टीप्लाई 100, प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, प्लस 9, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई, यहाँ इस तरह से हमने एक स्टेप ब्रेक कर दिया है, तो आप इसको भी ऐसे ही कर सकते हो। तो 5 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 4 जीरो है, तो 10 रेस टू द पावर 4, प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 3, प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 2, प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 1, प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 0। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए, लिखा है 1,76,428, इसमें भी वन स्टेप हम लोग लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही वाला स्टेप करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 × 1,00,000 प्लस 7 × 10,000 प्लस 6 × 1,000 प्लस 4 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 8। ठीक है, तो 1 × 10 रेस टू द पावर कितने जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया, प्लस 7 × 10 रेस टू द पावर 4 प्लस 6 × 10 रेस टू द पावर 3 प्लस 4 × 10 रेस टू द पावर 2, 2 × 10 रेस टू द पावर 1 प्लस 8 × 10 रेस टू द पावर 0। ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये हो गया पावर ऑफ 10 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इस तरह से आपने इसको एक्सपेंड कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ओके, आगे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 इज फाइंड द नंबर्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म ऑलरेडी दी गई है और आपको नंबर फाइंड आउट करना है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, जैसे आपने एग्जाम्पल नंबर 1 किया अप टू डाउन, यहाँ पर डाउन टू अप करना है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो देखिए 8 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 4, यानी 8 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 1 के साथ कितने जीरो, 4 जीरो। ठीक है, प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 के साथ कितने जीरो, 3 जीरो, प्लस 0 × 10 रेस टू द पावर 2 का मतलब 100, प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 0 का मतलब क्या, 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 का मल्टीप्लाई 10,000 में कराएंगे तो क्या आएगा, 80,000 प्लस 6,000 प्लस 0 का मल्टीप्लाई 100 में कराओगे तो 0 भी आएगा। ठीक है, तो उसके प्लेस पे चाहे आप 000 लिखो या फिर 0 लिखो, मतलब वो आपका जो 100 प्लेस है ये आपका 0 ही रहेगा, प्लस 40 प्लस 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 86045, ये बन गया नंबर। अगर आप इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये आएगा। ओके, बी पार्ट देखिए, 4 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 0। यहाँ पर देखिए 5 के बाद जो नंबर आया है वो 3 है। ठीक है, 10 रेस टू द पावर 5 लिखा है और 10 रेस टू द पावर 3 लिखा है, 10 रेस टू द पावर 4 गायब है, दैट मींस उसके प्लेस पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब देखिए 3 के बाद 2 भी आ गया और 1 गायब हो गया, मतलब उसके 10th प्लेस पे भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 5 का मतलब 1,00,000, यानी 1 के साथ 50, प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 3 का मतलब 1000, प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 2 का मतलब 100, प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 0 का मतलब 1। तो ये हो जाएगा 4 के साथ 50 मीन्स 4,00,000 प्लस 5000 प्लस 300 प्लस 2। अब आप इसको ऐड करोगे तो देखिए यहाँ पर 10th प्लेस नहीं है, मतलब 10th प्लेस पे 0 रहेगा। ठीक है, और आपका 10,000 वाला प्लेस नहीं है, वहां पर भी 0 रहेगा, तो हो जाएगा 4,0,5,3,0,2। देखिए
वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक फोर लैक फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड टू दिस इज द आंसर। जब हमने ये एक्सपेंडेड फॉर्म नंबर को इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो ये नंबर आएगा। ओके इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपने रैशनल नंबर्स में पढ़ा था। रैशनल नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म जो था उसमें क्या था कि अगर नंबर आपको पी ओपन क्यू के फॉर्म में दिया गया है वहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ये देखते थे कि डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए और वो रिड्यूस फॉर्म में होना चाहिए। बट एक्सपोनेंट एन पावर की बात करें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ डेसिमल नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इंक्लूडिंग 1 मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ 10 सच अ फॉर्म ऑफ नंबर इज कॉल्ड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कितना भी बड़ा नंबर आपको दिया जाए या कितना भी छोटा नंबर आपको दिया जाए आपको जो नंबर लिखना है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका तरीका ये होता है कि जो नंबर आप लिखोगे वो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। 1 आप ले सकते हो, मतलब जो नंबर होना चाहिए वो 1 के इक्वल या 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 10 से लेकिन छोटा होगा। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ यूनिट डिजिट लेनी है डेसिमल नंबर में। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1.1 ले लिया, 2.5 ले लिया, है ना, 9.9 ले लिया, यहां तक लिख सकते हो। लेकिन आप 10.5 लिख लो या 19.8 लिख लो तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल नंबर आपको शिफ्ट कराना पड़ेगा, या तो लेफ्ट में या राइट में। मल्टीप्लाई में आपको 10 रेस टू द पावर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो पावर नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करके पता चलेगा कि आपको नेगेटिव पावर लगानी है कि पॉजिटिव लगानी है। ठीक है, तो वो नंबर जो 1 और 10 के बीच में आते हैं और उसका मल्टीप्लाई भी होता है पावर ऑफ 10 से, तो वो नंबर क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे होते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 9856। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 9856 पढ़ेंगे। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमको लिखना है। तो आप ये देखिए इस नंबर में कहीं पर आपको डेसिमल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब ये एक होल नंबर है। जब ये एक होल नंबर है डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा है, डेट मीन डेसिमल जो है वो लास्ट प्लेस पे है। ठीक है, अब लास्ट प्लेस पे डेसिमल है तो आपको जो नंबर लिखना है वो 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। ये नंबर तो 9000 समथिंग है, तो डेसिमल को अगर हम यहाँ पर शिफ्ट कराएंगे तो डेसिमल अगर यहाँ आ जाएगा तो बताइए नंबर क्या पढ़ेंगे आप, 985.6 पढ़ेंगे। अभी भी ये 1 और 10 के बीच में नहीं आ रहा है, एक पॉइंट और शिफ्ट कराया, अब क्या पढ़ेंगे इसको, 98.56 पढ़ेंगे। अभी भी ये 1 और 10 के बीच में नहीं है, एक पॉइंट और शिफ्ट किया, अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, 9.856। तो 9.8.6 जो है ये नंबर 1 और 10 के बीच में आ रहा है ना, 9.8 जो है ये 10 से छोटा है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 9.856। अच्छा, अब नंबर तो हमको यही लिखना है ना। ठीक है, डेसिमल लगा दिया तो ये तो नंबर बहुत छोटा हो गया, हमको तो इसके इक्वली नंबर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर, डेसिमल पॉइंट अगर राइट से लेफ्ट जा रहा है तो 10 की पावर पॉजिटिव नंबर रहेगा और उतना ही नंबर रहेगा जितना डेसिमल प्लेस हमने शिफ्ट किया। डेसिमल पॉइंट हम यहाँ लगा था, यहाँ से हमने कितने प्लेस शिफ्ट किया, 1, 2, 3 प्लेस शिफ्ट किया और लेफ्ट हैंड साइड में किया, तो पावर क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी 3। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3, 4, 9, 3, 6, 3, 1। ठीक है, अब देखिए डेसिमल पॉइंट कहीं दिख रहा है, सपोज ये लगा हुआ है डेसिमल पॉइंट, लिखा हुआ है 3, 4, 9, 3, 6, 3, 1। ठीक है, अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो फिर से डेसिमल पॉइंट हम कहाँ कर ले जाएंगे, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे सीधा सीधा आके आके यहाँ पर, यहाँ पर अगर शिफ्ट कर देंगे तो डेसिमल पॉइंट के पहले देखिए 3 लिखा है, लिखा है ना 3, दैट मीन्स ये नंबर जो 3 है 3.4 पढ़ा जाएगा। ठीक है, और 3.4 देखिए 1 और 10 के बीच में आता है, तो इसको लिखेंगे 3.493631 इंटू 10 रेस टू दी पावर। डेसिमल पॉइंट यहाँ लगा था, यहाँ से हमने यहाँ शिफ्ट किया तो 10 की पावर पॉजिटिव रहेगी क्योंकि राइट से लेफ्ट आ रहा है। कितने प्लेस शिफ्ट हुआ है देखिए, 1, 2, 3, 4, 4 प्लेस शिफ्ट हुआ है तो 10 रेस टू दी पावर 4 आ गया। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है 0.00045, अब देखिए डेसिमल पॉइंट कहाँ लगा, ये लगा हुआ है। ठीक है, और आपको जो नंबर चाहिए वो 1 एंड 10 के बीच में चाहिए।
अब हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोई नंबर ही नहीं है, और जो भी होगा वो जीरो ही जीरो होगा। हमको जीरो नहीं चाहिए, हमको वन चाहिए, वन या वन से बड़ा चाहिए। तो आप राइट हैंड साइड में आइए, तो देखिए नंबर यहाँ से यहाँ पर हमको फोर मिल रहा है, मतलब फोर के बाद हम आ गए, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 4.5 बन जाएगा 4.5। देखिए 1 और 10 के बीच में आता है ना, ठीक है। अब देखिए अगर नंबर यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है तो ये लेफ्ट से राइट गया है कि राइट से लेफ्ट गया है, लेफ्ट से राइट गया है। तो पावर जो आपकी रहेगी मल्टीप्लाई 10^-2 नेगेटिव रहेगी। कितने प्लेस शिफ्ट किया है, 1, 2, 3, 4, तो 10^-4, ठीक है। ये होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, समझ में आ रहा है। चलिए सिलेक्टेड एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लिखा हुआ है 5985.3। चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, ये 5985 है तो ये डेसिमल पॉइंट हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, तो ये नंबर बन गया 5.9853 इंटू 10^-2। राइट से लेफ्ट गया है तो पॉजिटिव पावर आएगी, कितने प्लेस शिफ्ट हुआ है, 1, 2, 3, तो कितनी पावर आएगी, 3, ठीक है। और नंबर देखिए 5.9 बना है, 5.9 समथिंग का मतलब क्या हुआ कि ये 1 और 10 के बीच में है, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, 65950, कहीं पर भी डेसिमल नहीं है, डेट मीन लास्ट में है, ठीक है। और आपको शिफ्ट करना है तो यहाँ पर शिफ्ट करोगे तब भी नंबर 1 और 10 के बीच में नहीं बनेगा, यहाँ शिफ्ट करोगे तब भी नहीं बनेगा, यहाँ शिफ्ट करोगे तब भी नहीं बनेगा, यहाँ शिफ्ट करोगे तो बनेगा क्या, 6.5 समथिंग। तो 6.5 जो है ये 1 और 10 के बीच में आता है, तो नंबर बन जाएगा 6.595। लास्ट में जीरो लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना तो मत लगाइए, लेकिन दिया हुआ है तो उसे लगा दे रहे हैं, ठीक है। कितने प्लेस शिफ्ट हुआ है नंबर, 1, 2, 3, 4 प्लेस, ठीक है। 4 प्लेस का मतलब 10^-4 नेगेटिव 4 की पॉजिटिव 4, राइट से लेफ्ट गया है तो पॉजिटिव 4, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। बस आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो आपने फाइनल आंसर निकाला है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल नंबर, वो देखिए 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, लिखा हुआ है 3430000, डेसिमल नंबर कहीं नहीं दिख रहा है, डेट मीन लास्ट में है, तो क्या बनेगा नंबर, शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, ये जाएगा 3 के पास, 3 के बाद यहाँ लगाएंगे तो बन जाएगा 3.43। लास्ट में जीरो हमको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटू 10^-2, कितने प्लेस शिफ्ट हुआ है, पहली बात तो राइट से लेफ्ट जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा, तो जाएगा कितने प्लेस शिफ्ट हुआ है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 10^-6। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ना तो ये जीरो ऑलरेडी आ ही जाएंगे इसमें, ओके। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट, 7404000000, तो डेसिमल नंबर कहाँ जाएगा, यहाँ लास्ट में है, कहीं नहीं दिख रहा है तो लास्ट में ही हम लोग एज्यूम करते हैं, और ये शिफ्ट होके 7 के पास चला गया, 7 और 0 के बीच में, तो नंबर बन जाएगा 7.004। लास्ट के जो जीरो है उसको हम लेफ्ट कर देते हैं, इंटू 10^-2, कितनी पावर बनेगी, कितने प्लेस शिफ्ट हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्लेस शिफ्ट हुआ है, वो भी राइट से लेफ्ट, 10^-10, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, ओके। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एक्सप्रेस द नंबर्स अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये नंबर्स आपको दिए गए हैं, दे आर वेरी बिग नंबर्स एंड यू हैव टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू बी दैट मच, दिस इज वेरी लार्ज नंबर, ठीक है, दैट मच मीटर। तो इसको भी आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो सिंपल, हमको पता है डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा है, डेट मीन लास्ट में है, ठीक है। तो लास्ट से शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, सारे के सारे जीरो टर्म है तो 3 के बगल में आएगा यहाँ पर, तो लिखेंगे 3×10^-2, डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ्ट आ रहा है तो कितने प्लेस शिफ्ट हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 प्लेस शिफ्ट हुआ है, तो 3×10^-20 मीटर। यूनिट साथ में लिखेंगे अगर यूनिट हमको दी गई है तो। बी पार्ट में देखिए, ये नंबर लिखा हुआ है, दिस इज मॉलिक्यूल्स आर कंटेन
इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 1.8 ग्राम। ठीक है, तो आपको इस वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है, डेट मीन लास्ट में है, और ये शिफ्ट होके कहाँ आएगा, 6 और 0 के बीच में यहाँ पर। तो नंबर क्या बन जाएगा, 6.023, उसके बाद 0 ही 0 है तो इसको हम लेफ्ट कर देते हैं। इंटू 10^10 कितने प्लेस शिफ्ट हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ten raised to the power 22, ये हो गए लैटमस मॉलिक्यूल्स। ओके, मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए, द अर्थ हैज दैट मच क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वॉटर, मतलब अर्थ के पास इतना क्यूबिक किलोमीटर्स वाटर है, सी वाटर, इसको भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। डेसिमल पॉइंट कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डेट मीन लास्ट में है। शिफ्ट होके कहाँ आएगा, आगे आएगा। ठीक है, तो 1 और 3 के बीच में आ गया, तो नंबर क्या बन जाएगा, 1.353, बाद में 0 ही 0 है तो उसको लेफ्ट कर देते हैं। इंटू 10^10, कितने प्लेस शिफ्ट हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 10^9 क्यूबिक किलोमीटर, दिस इज द आंसर। लास्ट पार्ट देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज अबाउट दैट मच इन मार्च 2001, मार्च 2001 में पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है, इतनी है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है, डेट मीन लास्ट में है, और शिफ्ट होके कहा गया, 1 और 0 के बीच में, तो नंबर क्या बन जाएगा, 1.027, लास्ट के 0 लेफ्ट कर देते हैं। इंटू 10^10, कितने प्लेस डेसिमल शिफ्ट हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 10^9, ठीक है, ये हो गई इंडिया की पॉपुलेशन 2001 की स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो आपने नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं, देखिए 1 और 10 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स एंड सॉल्व दीज एग्जाम्पल्स अगेन एंड देन आफ्टर दिस इज योर क्लास वर्क। हियर आर 4 questions, 3 ऑन दिस पेज एंड 1 ऑन दिस पेज, यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन चेक यूर आंसर्स विच आर गिवेन हेयर, 3 answers आर हेयर एंड आंसर नंबर 4 इज हेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।